हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा सही होंगे, ठीक है। और आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार होंगे, ठीक है। तो बेटा आज थोड़ा वीडियो जो है आप लोगों का, वैसे तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रह चुके थे इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आज ऑब्वियसली आज 10th का भी रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चों के दो कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर वो रिजल्ट आने वाला है आज, तो उनके भी उनको भी देखना है, उनको भी वो देनी है, अब जो अप्रिशिएट करना है कि सब अच्छा होगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है ना, सबसे पहले है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्ली ऑफ देयर एटम, ठीक है। जितने भी कंडक्टर होते हैं जैसे कि मेटल, वो क्या करते हैं, ऑल द कंडक्टर लाइक मेटल है, जितने भी कंडक्टर होते हैं जैसे कि मेटल्स, उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बहुत लूजी ढीले तरीके से संगठित किए होते हैं। हेल्ड मतलब होता है एकत्रित करना, धीरे धीरे तरीके से, मतलब ढीलापन, ढीले तरीके से संगठित किए होते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है उनके एटम ने, ठीक है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल, सारे कंडक्टर्स जैसे कि मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब ढीले ढीले तरह से संगठित हुए होते हैं, धीरे ढीले तरह से संगठित किए होते हैं, किसने, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्ली ऑफ देयर एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। और वो मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंडक्टर में, एक कंडक्टर में, ठीक है। अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसलिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट मेक अ सब्सटेंस कंडक्टर, ठीक है, क्या चीज एक सब्सटेंस को कंडक्टर बनाती है, तो बोलेंगे द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति एक सब्सटेंस में उसको कंडक्टर बनाती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाती है, याद रखना। ये पूछ सकता है व्हाट मेक अ सब्सटेंस अ कंडक्टर, ठीक है। तो आप बोलेंगे द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्या करती है, एक सब्सटेंस को कंडक्टर बनाती है इलेक्ट्रिसिटी का, इंपॉर्टेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, आप देखो, अब मैंने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और सारे कंडक्टर्स क्या होते हैं, सारे कंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, ठीक है, ढीले तरीके से संगठित होते हैं, किसके द्वारा, एक न्यूक्ली ऑफ देयर एटम, जो उन एटम का न्यूक्ली होता है उसके द्वारा, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, बोला मैंने, ठीक है। और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, एक कंडक्टर में बोला। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस में, वही एक सब्सटेंस को कंडक्टर बनाती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन इन इंसुलेटर आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय द न्यूक्ली ऑफ देयर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में प्रेजेंट होते हैं, याद रखे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, ढीले तरीके से संगठित हो किए, ढीले तरीके से संगठित होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम के द्वारा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत मजबूत तरीके से संगठित किए होते हैं न्यूक्ली ऑफ देयर एटम ने, ठीक है। सिंस देयर आर नो, अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी इंसुलेटर में अगर बहुत मजबूत तरीके से संगठित किए होंगे न्यूक्लियस के द्वारा, तो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसा ही हो सकता है एग्जाम में, व्हाई देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर्स, ठीक है, क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इंसुलेटर में, एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकते हो, आप बोलेंगे बिकॉज द
द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ इंसुलेटर आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम. क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली हेल्ड किया जाता है, मतलब मजबूती से संगठित किया जाता है बाय न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा. और इसी कारण से उसमें इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन. अब क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एक इंसुलेटर में, ठीक है, जो कि विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो कि एक 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 एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. तो इसीलिए एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट. और इसी कारण की वजह से एक इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है कि वो फ्लो हो सके उसमें. क्लियर? अब ऐसा हो सकता है, Why an insulator does not allow electric charge to flow through it? पूछ सकता. तो आप बोलेंगे Because the electron present in an insulator are strongly held by the nucleus of their atom. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इंसुलेटर में वो बहुत मजबूत तरीके से संगठित किए होते हैं एटम के न्यूक्लियस ने. Since there are no free electron, अब क्योंकि कोई भी free electron insulator में मौजूद नहीं होता है, जो move, which can move from one atom to another, जो एक एटम से दूसरे एटम तक मूव कर सके, ठीक है, और उसी कारण से इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने में. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. इलेक्ट्रिसिटी जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में होता है, एक होती है स्टैटिक, दूसरी होती है करंट. ठीक है, अब देखिए, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव. स्टैटिक से आपको खुद ही पता है स्थिर. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट में रहता है. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है, स्थिर रहता है, स्टेशनरी रहता है. दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता है, वो मूव नहीं करता है. ठीक है, एग्जाम्पल द लाइटनिंग विच सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो आप लाइटनिंग देखते हो, जो बिजली देखते हो आकाश में रेनी सीजन में, वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का. उसके अंदर क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर रहता है. कहां रहता है, रेस्ट पर. नहीं तो अगर बिजली चमकती तो तुम्हारे ऊपर सीधे क्या होती, बिजली गिरती मर जाते. ठीक है, लेकिन बिजली चमकती है हमें फ्लैश जैसा दिखाई देता है. ठीक है, वो एग्जाम्पल किसका है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का. उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस्ट पर रहती है, वो मूव नहीं होती है. क्लियर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब है करंट इलेक्ट्रिसिटी. इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन. करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मोशन में होते हैं. ठीक है, एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बिजली उत्पन्न करते हैं. जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो सकते हैं, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम. जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है. क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है. क्यों, क्योंकि वो मोशन में होती है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होते हैं. क्लियर, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम खाली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप अगर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में 12th में अगर आपने साइंस ली तो. ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हो तो नुकसान आपका है. ठीक है, और आज आप देख लीजिएगा, जिसके भाई बहन 10th में हैं तो अगर उन्होंने जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनके अच्छे नंबर आएंगे. ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनका हाल खुद ही देख लेना आज आप. ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए.